इसको लेकर जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सरपंच एवं पंच को चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया गया है। जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 17 के अनुभवी प्रत्याशी अब्दुल हक खान उर्फ बूरू पटेल से हमारे संवाददाता निकेश चंदेले ने खास बातचीत की। जनपद पंचायत बालाघाट क्षेत्र क्रमांक 17 से आप जनपद सदस्य के उम्मीदवार हैं, जनता के लिए क्या कुछ मुद्दों को लेकर के आप मैदान पे आए, चुनाव मैदान में? मैं जनपद पंचायत बालाघाट से क्षेत्र क्रमांक 17 से चुनाव लड़ रहा हूँ। इसके पहले भी जनपद सदस्य में रह चुका। जनता की समस्या बहुत बड़ी है उनके लिए, पर अगर हम चाहें तो समस्या बहुत बड़ी हो। तो मुद्दे जनता के ये है कि गरीबी रेखा के कार्ड है, संबल कार्ड है, श्रमिक कार्ड है, उनके मकानों की समस्या है, उनकी पेंशन की समस्या है। गांव में जो समस्या है वो नाली है, बिजली है, सड़क है, ये मेन मुद्दे। और हमने 5 साल 7.5 साल का कार्यकाल हमारा होने जा रहा है, तो हमने लगभग कोशिश की कि ये समस्याओं को हल करने का पूरा प्रयास किया। और आज जो चुनाव को लेकर हम मैदान में उतरे हैं उसका कारण ही हमारा विकास है। अगर हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, उनसे वोट मांग रहे हैं, तो हमारा विकास, हमारा काम, जो उन लोगों का सहयोग किए हमने बुरे वक्त में, उनके सबके ऊपर जब बुरा वक्त आया था कोरोना काल का, जब हम उनके साथ खड़े रहे, हम लोगों ने उनके लिए काम किए, उनके लिए दौड़ धूप किए, उनकी मदद किए, लोगों ने हमारी मदद किए, ये सारी चीज़ों को लेकर हम फिर से चुनाव में उतरे हैं। और इस चुनाव में उतरने का कारण ये रहा है कि अगर जनता इस क्षेत्र की दोबारा हमको चुन के भेजती है, तो इस बार हम एक अगली बार भी हम एक लंबी छलांग लगाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इस क्षेत्र में मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, 77 पंचायतों की लड़ाई मैं लड़ना चाहता हूँ, जिसमें जनपद अध्यक्ष का जो पद है वो सामान्य रूप का है, तो मैं भी यहाँ से सामान्य पद था, तो मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। जनपद अध्यक्ष का भी जो पद है वो सामान्य है, तो अगर मेरे को जनता यहाँ से चुन के भेजती है, तो मैं अपने साथियों के साथ, अगर मेरे को सहयोग मिलता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं 77 पंचायत का नेतृत्व करूँ। और 77 पंचायतों में पूरी कोशिश रहेगी कि हर गरीब आदमी, हम हर आम आदमी, हर छोटी समस्या बड़ी समस्या जो है वो उनको मैं उसका निराकरण करने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं चाहता हूँ जनता से कि ये लोकतंत्र का त्यौहार है, पंचायत चुनाव जो है वो लोकतंत्र का त्यौहार है, इसमें सभी लोग भाग लें और अपने घर से निकल के वोट दें। क्या है आपका चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है, पहले नंबर की बटन है, पहले नंबर का मेरा चिन्ह है, इस पर आप, इस बार तो ब्लैक पेपर से हो रहा है, क्योंकि अगली बार UAM से हुआ था तो ब्लैक पेपर से हो रहा है, तो मेरा जो निशान है वो ब्लैक बोर्ड है, पहले नंबर पे उसको मोहर लगाकर मेरी जनता से अनुरोध है, अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मेरे को जिताने की कोशिश। आपका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है, तो शिक्षा के स्तर में आपके क्षेत्र में क्या कुछ मुद्दे हैं? हमने सबसे ज़्यादा फोकस जो किए वो शिक्षा के क्षेत्र में किए हैं, क्योंकि अगर जिस घर में एक महिला शिक्षित होगी उसका पूरा परिवार शिक्षित होगा, जो बच्चा शिक्षित होगा वो गलत चीज़ों से दूर रहेगा, वो गलत चीज़ों में नहीं जाएगा, वो शिक्षा का स्तर उसका जो रहेगा वो अच्छे स्तर का आदमी रहेगा, उसके बोल चाल हर चीज़ में सभ्यता रहेगी। अभी ग्रामीण अंचलों में जैसा कि देखा जा रहा है कि शिक्षा का स्तर जो है वो पहले की अपेक्षा एक अच्छे स्तर पर पहुँच चुका है, तो उसको और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हमारा जो क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो मरीजों को एम्बुलेंस की यहाँ पर जाती है कि 100 डायल को लगाना है, जर्नी एक्सप्रेस को लगाना है, तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे 4 क्षेत्रों में एक एम्बुलेंस अपने तरफ से, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो सेवा के रूप में मैं एक एम्बुलेंस 4 पंचायत को अपने इससे यहाँ पर मैं दूंगा। रोजगार के लिए क्या करेंगे? रोजगार के लिए सबसे बड़ी ये है कि हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े चीज़ें हैं, जैसा कि सबसे बड़ा हमारे गांगुलपारा डैम है, हमारे यहाँ ज्वाला देवी मंदिर है, हमारे यहाँ पर पर्यटक स्थल है, तो रोजगार के लिए यहाँ पर धीरे धीरे हम लोग जो इको पर्यटक के नाम पे सारी चीज़ों को सरकार से योजना ला के सारी चीज़ों को डेवलपमेंट करके एक युवा को, बुजुर्गों को, महिलाओं को इस क्षेत्र में हम लोग जो है उनको काम देके रोजगार के बारे में सोचें, क्योंकि सरकारी नौकरी लग रहा तो अभी संभव नहीं है। तो हम चाहते हैं कि छोटे छोटे जो काम हैं, मंदिरों के है, तुम्हारा इको पर्यटक पे तालाब के हैं, तुम्हारे पिकनिक स्पॉट हैं, दुकानें हैं, इनको हम लोग आगे प्रोत्साहन देना चाहते हैं। और बहुत सारी कोशिशें हैं हमारी युवाओं के लिए, बहुत सारे काम है हमारे पास युवाओं के लिए, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।